गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. हेलो. गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आप लोग के लिए है. आप लोग इसमें भी देख सकते हैं और आप लोग के पास मैंने कल लाइफ साइकिल भेज दी थी, वैसे आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, है ना. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें देख सकते हैं. ओके. कल से हम लोगों ने अपना फंजाई स्टार्ट कर दिया है. आज हमारा सेकेंड क्लास है फंजाई का, और आज जो फंगस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पिथियम. ठीक है, पिथियम एक बीमारी होती है प्लांट्स में, डैम्पिंग ऑफ डिजीज. तो डिजीज का नाम है डैम्पिंग ऑफ, ओ डबल एफ डी ए एम पी आई एन जी, डैम्पिंग ऑफ. तो ये जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज है, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, सीडलिंग्स जिनको बोलते हैं, बीज में से जो सबसे छोटे वाले अंकुर निकलते हैं उनको हम सीडलिंग्स बोलते हैं. तो इन सीडलिंग्स में ये डिजीज होती है. स्टार्टिंग में बेटा आपको, आपके पास है, हाँ, तो जो ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है, इसमें क्या होता है, छोटे से सीडलिंग जैसे ही निकलते हैं तो जो उनका छोटा सा तना निकलता है वो जहाँ पे मिट्टी से टच होता है उसी जगह पर वो गलना शुरू हो जाता है, और गलने के बाद वहां से पूरी की पूरा सीडलिंग कोलैप्स कर जाता है, यानी मर जाता है. तो ये जो डिजीज है ये दो स्टेजेस में होती है, या तो बीज से जैसे ही निकले वो सॉइल के सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, या तो तभी मर जाता है, या जमीन की सतह से थोड़ा सा ऊपर तक निकलता है तभी वो खत्म हो जाता है. यानी सीडलिंग स्टेज में ही प्लांट खत्म हो जाता है इस डिजीज में. तो जो आज हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म है पिथियम डिबेरियनम, ये जो है चार प्लांट्स में करता है, टोबैको, टोमेटो, मस्टर्ड और चिलीज. ये प्लांट्स तो आप लोग समझते ही हैं, टोबैको माने तंबाकू, टोमेटो माने टमाटर, मस्टर्ड माने सरसों, और चिलीज माने मिर्च. ठीक है, इन सभी में ये कॉज करता है डिजीज. अब क्या होता है इसका, सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन देखिए, माइकोटा, यू माइकोटा, मैस्टिको माइकोटेना, ओ माइसिटीज, पेरोनोस्पोरेल्स, पिथियसी, पिथियम डिबेरियनम, और जो पूरा नाम है उसका बोटैनिकल नेम वो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, जरा सा ध्यान देंगे, वो इटैलिक्स में लिखा जाता है. जीनस का नाम कैपिटल लेटर से, यानी पिथियम का नाम कैपिटल लेटर से, और स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से लिखा जाता है. ठीक है, ये मैं हर बार आपको बता रही हूँ, तो हर बार आपको रिमाइंड कराने के लिए बताती हूँ, उसको याद रखना है. ठीक है, हमेशा याद रखना है, हर साइंटिफिक नाम लिखते समय याद रखना है. और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो क्लास ओ माइसिटीज है, यहाँ पर फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के मैंने वीडियोस आप लोग को सेंड किए हैं, तो क्लासिफिकेशन आई होप आप सबने पढ़ा होगा, और उसमें मैंने उसके लक्षण भी बताए थे. जो फंजाई है, फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है, आपसे कोई पूछता है कि फंजाई का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, तो आप लोग बताएंगे फंजाई का क्लासिफिकेशन उसके परफेक्ट स्पोर्स के आधार पर किया गया है. परफेक्ट स्पोर क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स.
के आधार पर किया गया है। जैसे ये क्लास ओओमाइसिटीज, क्लास पढ़िए, इसमें लिखा है क्लास ओओमाइसिटीज। तो ओओमाइसिटीज क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें ओगोनियम जरूर बनेगा और एंथ्रीडियम और ओगोनियम। ओगोनियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ओगोनियम और एंथ्रीडियम ही इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स होंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, यहां पर पिथियम डिबेरियनम इज अ वेल नोन स्पीशीज कॉजिंग डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ देखिए कैसे लिखा हुआ है मैंने, डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग्स इन टोबैको, टोमैटो, मस्टर्ड एंड चिलीज। डैम्पिंग ऑफ अकर्स इन टू फेजेस, मैंने अभी आप लोग को बताया दो फेजेस में होता है। पहला प्री इमर्जेंस फेज, प्री इमर्जेंस फेज यानी सीड में यानी बीज में अंकुरण तो हुआ लेकिन उसमें से जो अंकुर निकला, जो नया प्लांट निकला, उसी को सीडलिंग बोलते हैं ना। तो वो जमीन की सतह तक भी नहीं पहुंच पाया क्योंकि सीड तो अंदर होगा ना जमीन के, तो वहां से निकल के वो जमीन की सतह से तक पहुंचने के पहले ही खत्म हो गया, तो उसको कहते हैं प्री इमर्जेंस फेज। ऐसा वाला जो फेज होता है, ऐसी वाली जो डिजीज होती है, वो एक्चुअली हम लोग को पता ही नहीं चलती है क्योंकि वो जमीन के अंदर ही खत्म हो गया सीडलिंग। लेकिन जो दूसरा फेज है वो क्या है? पोस्ट इमर्जेंस फेज, यानी जमीन की सतह के ऊपर वो सीडलिंग निकल आया, उसके बाद उसमें ये डिजीज पता चल रही है। तो ये जैसे ही सीडलिंग ऊपर निकलता है और जहां पर वो जमीन की सतह से उसका स्टेम टच कर रहा होता है उसी जगह पर वो गलना शुरू हो जाता है और सिकुड़ता है, गलता है और वहीं पर खत्म हो जाता है सीडलिंग। तो ये इसकी डिजीज की पहचान है। इसका जो माइसीलियम, देखिए फंजाई के माइसीलियम के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, मेरे वीडियोस में मैंने डाला था कि फंजाई की प्लांट बॉडी बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की है। तो उसकी प्लांट बॉडी माइसीलियम यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि हम माइसीलियम कहते हैं, हाइफी कहते हैं, हाइफा कहते हैं, जो सिंगल होता है उसको हाइफा कहते हैं, अगर कई सारों धागों जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे तो हाइफी कहेंगे, और अगर जो है पूरा नेटवर्क है तो माइसीलियम कहेंगे। तो हाइफी, हाइफा और माइसीलियम तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज हाइलाइन, हाइलाइन का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, है ना। इट इज हाइलाइन ब्रांच्ड एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। आप ध्यान करिए, मैंने जब माइसीलियम के स्ट्रक्चर्स आप लोग को बताए हैं तो बताया है अगर ये धागे जैसी संरचना के बीच में सेप्टम प्रेजेंट है तो उसको सेप्टेट कहते हैं, अगर सेप्टम नहीं प्रेजेंट है तो उसको एसेप्टेट कहेंगे। एसेप्टेट का मतलब होता है सेप्टम एब्सेंट। जब सेप्टम नहीं है तो बहुत सारे उसमें न्यूक्लियस आपको दिखाई देते हैं। ऐसे माइसीलियम जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं उसको हम कहते हैं सिनोसिटिक। क्या कहते हैं? सिनोसिटिक, जिसमें कि कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं है और एक प्रोटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। बट सेप्टम डेवलप्स ऑन द बेस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जब इसमें सेक्स ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं तो उनके बेस पर सबसे पहले सेप्टम का डेवलपमेंट होता है। सेप्टम माने समझते हैं ना सब लोग। मोस्टली हाइफी आर इंट्रासेलुलर बट समटाइम्स दे मे बी इंटरसेलुलर। अब इंट्रा और इंटर का कोई डिफरेंस बता सकता है बच्चों? वॉट इज इंट्रासेलुलर एंड वॉट इज इंटरसेलुलर, कोई बता सकता है? नहीं बेटा, इंट्रा मीन्स अंदर, किसी भी सेल के अंदर घुस के जब वो ग्रो करता है तो उसको कहेंगे इंट्रासेलुलर, एक ही सेल के अंदर घुसा हुआ है। इंटरसेलुलर माने दो सेल्स के बीच में रन कर रहा है। यहाँ पर जितनी लड़कियां हैं वो तो देख सकती हैं, जैसे देख भैया ये अपने थोड़ा साफ नहीं होना है, ये देखिए दो सेल्स हैं, अगर इसके बीच में ये माइसीलियम
रन करता है, ठीक है। माइसीलियम कैसा है, धागे जैसी संरचना है। ये इन दो कोशिकाओं के बीच में, ये होस्ट की कोशिका है जिसके शरीर में ये घुस रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कोशिकाओं के बीच से रन कर रहा है तो उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर, यानी दो कोशिकाओं के बीच वाली जगह पे। इंट्रासेलुलर माने सेल के अंदर, ओके, ठीक है। अब जो इंटरसेलुलर है, जो इंट्रा है वो तो अंदर घुसा हुआ है तो वहां से एब्जॉर्ब कर लेगा अपना न्यूट्रिशन, लेकिन जो दो कोशिकाओं के बीच में है उसमें एक स्मॉल टैग लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप होते हैं जिनको कि हम कहते हैं हॉस्टोरिया। क्या बोलते हैं? हॉस्टोरिया, HAUSTORIA, उसमें लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। मोस्टली हाइफी आर इंट्रासेलुलर बट समटाइम्स दे मे बी इंटरसेलुलर। इन इंटरसेलुलर स्पीशीज हॉस्टोरिया आर फाउंड विच हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट टिश्यूज, ठीक है। इसके अंदर जो हॉस्टोरिया डेवलप होते हैं वो सिंपल टैग लाइक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो होस्ट की कोशिकाओं के अंदर घुसते हैं और वहां से न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं। अब आ जाइए रिप्रोडक्शन इन पिथियम। पिथियम क्या है कि दो तरीके का रिप्रोडक्शन शो करता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अगेन मैं फिर वही आपको रिपीट करूंगी कि प्लांट्स में तीन तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, है ना, यहाँ पर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्पोर्स बनाता है या उसका एक पार्ट स्पोर्ट्स और उसमें गोनेट्स का कोई फॉर्मेशन नहीं होता। बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है, जरा सा अपना माइक बंद कर दीजिए, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोटोप्लाज्म है वो सीधे स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गोनेट्स बनेंगे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, फिर उसमें स्पोर्ट्स बनेंगे, ओके। बस इतना ही यहाँ पर डिफरेंस है। और मैं बार बार आप लोग को ये रिमाइंड कराती रहती हूँ कि फंजाई बहुत ही लोअर लेवल का प्लांट है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, तो हम इसका जो रिप्रोडक्शन है वो भी बहुत ही लोअर लेवल का होता है, यानी उतने बड़े बड़े रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं बन सकते हैं, तो इसमें वो भी बहुत ही माइन्यूट सा होता है और थोड़ा ही उसमें स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। कल आप लोगों ने जो प्लांट पढ़ा था सिनकाइट्रियम, उसमें जो बन रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स, तो जू स्पोर्स का शेप कुछ पियर शेप्ड था, ऐसे था, है ना। और यहाँ लेकिन आज जो आप देखेंगे वो पिन्नी शेप के बनेंगे, ठीक है, सेम के बीच के आकार के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर्स, किसके द्वारा होगा? जू स्पोर्स के द्वारा होगा, ओके। अब जू स्पोर्स क्या है? एसेक्सुअल स्पोर्स है, साइटोप्लाज्म में जो है जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म अपने साथ लेता है, प्रोटोप्लाज्म अपने साथ लेता है और जू स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है। जू स्पोर्स आर डेवलप्ड इन स्पोरेंजिया, जहां पर जू स्पोर्ट्स डेवलप होंगे तो उस बॉडी को हम कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहेंगे? स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्ट्स बनेंगे, ओके। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्ट्स। तो जू स्पोर्ट्स आर डेवलप्ड इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में भी टर्मिनल और इंटर कैलरी, टर्मिनल माने किसी भी माइसिलियम के सिरे पर, छोर पर अगर होता है तो उसको टर्मिनल कहते हैं,
अगर माइसीलियम के बीच में कहीं डेवलप हो रहा है तो उसको इंटरकैलरी कहते हैं। ठीक है, क्या फर्क है छोर पर और बीच में डेवलप होने वाले में, कि उसको छोर वाले को कहेंगे हम टर्मिनल और बीच में जो डेवलप हो रहा है उसको कहते हैं इंटरकैलरी। ईच स्पोरेंजियम हैज एपिकल पैपिला, किसी भी स्पोरेंजियम में एक चोंच जैसी नोक जैसी बड़ी रहती है जिसको कहते हैं एपिकल पैपिला। क्या बोलते हैं? एपिकल पैपिला। जो बच्चे हिंदी में लिखते हैं ना, तो जैसे मैं समझा रही हूँ पूरा हिंदी में भाषा में, और जो टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में बोल रही हूँ, उसी तरह आप लोग भी करेंगे। ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश भाषा से कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर आपका जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो सही होनी चाहिए। तो जैसे आपने ये लिख दिया कि हर स्पोरेंजियम में एक एपिकल पैपिला होता है, तो ये आपने बात तो सही कही, उसको हिंदी में कह दिया, उससे लैंग्वेज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी बात सही होनी चाहिए। ठीक है, एपिकल पैपिला थ्रू विच स्पोरेंजियल कंटेंट पास इनटू अ वेसाइकल। अब वेसाइकल क्या है इसको समझ लेते हैं। स्पोरेंजिया, तो भाई ये माइसीलियम है, धागे जैसे स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पर स्पोरेंजिया डेवलप हो रहा है तो वो हिस्सा फूल गया, स्पोरेंजिया बन गया। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होना है, लेकिन यहाँ पर विशेष बात क्या है कि यहाँ पर एक चोंच जैसी बन जाती है। जब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है तो उसी समय एक चोंच जैसा स्ट्रक्चर, नुकीला स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं एपिकल पैपिला। और जैसे ही उसमें स्पोर्ट्स के फॉर्मेशन के लिए वो तैयार होता है तो ये एपिकल पैपिला से एक बलून जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कि कहते हैं वेसाइकल। क्या बोलते हैं इस बलून जैसे स्ट्रक्चर को? वेसाइकल। और इस वेसाइकल के अंदर स्पोर्ट्स डेवलप होते हैं, तो ये उसी से जुड़ा हुआ है ना, स्पोरेंजिया से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही इसमें बनने लगेंगे स्पोर्ट्स तो ये वेसाइकल एक बलून जैसा स्ट्रक्चर उस नोक से निकल आएगा। ठीक है, और वो बलून जैसे स्ट्रक्चर के अंदर सारे स्पोर्ट्स चले जाएंगे, जू स्पोर्ट्स जितने भी डेवलप होंगे वो सारे उस बलून जैसे स्ट्रक्चर के अंदर चले जाएंगे और वहां पर डेवलप होते रहेंगे। ठीक है, वहां पर जो डेवलप होंगे, यहाँ के जो जू स्पोर्ट्स होंगे वो थोड़े अलग टाइप के होंगे, ये किडनी शेप होंगे, इस शेप के होंगे। यहाँ पर मैं लिख ड्रॉ कर सकती हूँ, क्या मैं देखती हूँ जरा। ओके, मैं ट्राई करती हूँ कि ये ऐसे शेप, अरे बाप रे, ऐसे किडनी शेप के होते हैं। ओके, किडनी आप लोग जानते हैं ना, सेम के बीच का आकार जैसा होता है वैसा ही ये कुछ इसका शेप होता है। और इस ये बाई फ्लैजलेटेड होते हैं, और इसका जो कॉनकेव माने गहरा जो सिरा है, इसमें दो फ्लैजला लगे हुए इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। ओके, तो इसमें ये दो फ्लैजला आपको लगे हुए दिखाई देंगे, ये किडनी शेप का होगा, यानी सेम के बीच के आकार का होगा, एक सिरा ऐसे घुमा हुआ और एक सिरा दबा हुआ होगा। तो जिधर दबा हुआ होता है उधर ही दो फ्लैजला लगे रहते हैं। देखिए ये सारी चीजें लिखी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं इतनी सरल भाषा में लिखती हूँ आप लोग के लिए कि आप लोग समझ पाए उसको। जू स्पोर्ट्स आर किडनी शेप्ड एंड बाइफ्लैजलेटेड, ये किडनी शेप होंगे और बाइफ्लैजलेटेड होंगे। बाइफ्लैजलेटेड बाई माने दो, फ्लैजलेटेड माने फ्लैजला वाले। द टू फ्लैजला आर लेटरली प्लेस्ड ऑन कॉनकेव साइड। कॉनकेव साइड क्या है? ये जो गहरी वाली सतह है। ओके, यहां पर जो गहरी वाली सतह है यानी कॉनकेव प्लेस्ड होंगे। अब क्या है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्वार्म दीज जू स्पोर्स गेट इंसिस्टेड। हाँ, कॉनकेव साइड में होते हैं। यहाँ पर एक चीज और होती है कि जैसे ही ये डेवलप हो जाते हैं वो बलून फट जाता है और ये सारे जू स्पोर्स फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और जो सॉइल के अंदर वाटर होता है ना उसी के अंदर ये स्वार्म करते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। ठीक, सॉइल के अंदर पानी ऐसे भरा हुआ टब जैसा नहीं होता है,
पर वहां पर क्योंकि ये भी बहुत माइन्यूट है और पाई हर सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ वाटर होता है, सॉइल के अंदर वाटर होता है जो मॉइस्चर होता है, उसी में ये फ्लोट करते हैं, स्वार्म करते हैं, इधर उधर तैरते रहते हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्वार्म, स्वार्म माने तैरने के थोड़े, दी जू स्पोर्ट्स गेट एंसिस्टेड फॉर सम टाइम एंड आफ्टरवर्ड जर्मिनेट। ये थोड़े समय के लिए क्या हो जाते हैं, एंसिस्टेड हो जाते हैं। एंसिस्टेड का मतलब अपने चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं, अपने चारों तरफ एक लेयर सिक्रीट कर लेते हैं जिससे कि ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, इनका इनको कुछ हार्म नहीं होती और ये साइलेंट स्टेज में पड़े रहते हैं। यस, अब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओवेमस टाइप का है, इसमें दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स बनेंगे, एक मेल पार्ट बनेगा, एक फीमेल पार्ट बनेगा। जो मेल पार्ट है वो है एंथेरिडियम और जो फीमेल पार्ट है वो है ओगोनियम, ठीक है, इसीलिए इसको ओगैमस टाइप का कहेंगे। तो जितने भी हम फंजाई पढ़ेंगे उसमें बेटा हर एक में हम आपको बताएंगे कि इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन है और कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्ट्स हैं। उसी जैसे कि यहाँ पर है ओगोनियम, तो ये इसका जो क्लास होगा वो होगा ओमाइसिटीज। अगर यहीं पे एस्कस का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो हम कहेंगे एस्कोमाइसिटीज। अगर वहां पर बेसिडियम का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो वो हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज। ये सब मैंने आपको जो आप दोबारा से वीडियो देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, तो उसमें ये साफ साफ बताया हुआ है मैंने कि इसका क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा इसके सेक्सुअल स्पोर्ट्स के आधार पर है। तो इसीलिए मैं बार बार इंफेसाइज कर रही हूँ कि ये ओगैमस टाइप का है और ओमाइसिटीज का मेंबर है, इसलिए इसमें सेक्सुअल स्पोर्ट्स क्या होंगे, ओ स्पोर्ट्स होंगे और ओगोनियम और एंथेरिडियम इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। अब अगर हाँ बेटा और मुझे नहीं समझ में आया ये। ओके, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, एंथेरिडियम जो रेड से लिखा हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, ओगोनियम जो कि ग्रीन से लिखा हुआ है। अब मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसमें डेवलप हो रहे हैं, ओगोनियम डेवलप हो रहा है, इसलिए इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो ओगैमस टाइप का है और जो स्पोर बनेगा वो क्या बनेगा, ओ स्पोर, क्योंकि ओगोनियम है तो ओ स्पोर बनेगा। ओके ओके मैम। सम स्पीशीज आर होमोथैलिक, मीन्स मेल एंड फीमेल आर ऑन सेम थैलस। अब ये थैलस कहाँ से आ गया, एंड सम आर हेटरोथैलिक, मेल एंड फीमेल ऑन डिफरेंट थैलस। अभी तो हम माइसीलियम की बात कर रहे थे, अब ये थैलस कहाँ से आया, कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलस। हाँ, तो जो माइसीलियम है वो भी तो थैलस ही है ना बेटा, उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है। कोई भी प्लांट बॉडी जिसमें रूट स्टेम और लीफ का क्लासिफिकेशन नहीं है उसको हम थैलस कहते हैं, और माइसीलियम में तो कोई थैलस का कोई डिफरेंशिएशन है नहीं, इसलिए हम उसको भी थैलस ही कहेंगे, ठीक है। तो जिन स्पीशीज में मेल और फीमेल एक ही माइसीलियम के ऊपर होते हैं तो उसको कहते हैं होमोथैलिक, और अगर अलग अलग माइसीलियम के ऊपर होते हैं, अलग अलग हाइफी के ऊपर होते हैं, अलग अलग हाइफा के ऊपर होते हैं तो हम उसको कहते हैं हेटरोथैलिक। समझ में आया, होमोथैलिक हेटरोथैलिक समझ में आया बच्चों। अगर मेल एंड फीमेल सेम पर हैं तो उसको कहेंगे होमोथैलिक, और अगर अलग अलग पे हैं तो उसको कहेंगे हेटरोथैलिक।
अब आ जाइए एंथ्रीडियम कैसा होता है. द एंथ्रीडियम इज डेवलप्ड ऑन द एट द टिप और ऑन द लेटरल साइड ऑफ हाइफा. हाइफा के टिप पर यानी कि धागा जैसा जो स्ट्रक्चर है माइसीलियम है उसके टिप पर या उसकी साइड में जो है डेवलप होता है एंथ्रीडियम. एंथ्रीडियम अराइजेज फ्रॉम द स्टॉक ऑफ यूगोनिया. तो उसको कहते हैं मोनोक्लाइनस और ऑन सेपरेट हाइफा तो डिक्लाइनस. अगर उसी माइसीलियम में जो है यूगोनियम डेवलप हुआ और उसी में एंथ्रीडियम उसी के स्टॉक से, स्टॉक माने डंठल, डंठल जैसा जो स्ट्रक्चर होता है तो उसको उसी से डेवलप हो रहा है तो उसको मोनोक्लाइनस कहते हैं. और दूसरे हाइफा पे डेवलप हो रहा होता है तो उसको डिक्लाइनस कहते हैं. ठीक है. द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम बिकम्स क्लब शेप. क्लब क्या होता है? फूल जाना. फूल जाने से उसको कहते हैं क्लब शेप. कोई भी माइसीलियम का पार्ट फूल गया तो उसको कहते हैं क्लब शेप हो गया. इट बिकम्स क्लब शेप्ड. अ सेप्टम इज डेवलप्ड ऑन द बेस ऑफ एंथ्रीडियम. ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि जब भी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा तो उसके बेस पर सबसे पहले सेप्टम बनेगा. सेप्टम जो कि उसको बाकी सारे माइसीलियम से, जैसे कि ये पूरा थ्रेड लाइक माइसीलियम है, मैं इसी के ऊपर बता रही हूँ, और यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये सेप्टम बन जाएगा जिससे कि वो बाकी माइसीलियम से कट ऑफ हो जाएगा. इन द स्टार्टिंग द यंग एंथ्रीडियम इज मल्टी न्यूक्लिएट. स्टार्टिंग में क्या होता है उसमें बहुत सारे, जब ये यहां से कट हुआ तो इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन लेटर ऑन सारे जो न्यूक्लियस हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही फंक्शनल न्यूक्लियस रहेगा. ठीक है. सारे न्यूक्लियस क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक न्यूक्लियस ही फंक्शनल रहेगा. यूगोनियम. द यूगोनियम इज जनरली टर्मिनल, ओवॉइड और स्फेरिकल विद स्मूथ और पैपिलेट वॉल. अच्छा ठीक है, कि जो यूगोनियम है वो कैसा होता है, गोल फूल जाता है और गोल हो जाता है. ठीक है. द साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेरिप्लाज्म एंड यूप्लाज्म. पेरिफेरी पर जो होगा, पेरिफेरी आप लोग समझते हैं ना, परिधि के पास. कोई एक गोल चीज है, कोई एक गोल चीज है, इसकी पेरिफेरी के पास जो है ये एरिया, ये पेरिफेरल एरिया और ये बीच में सेंट्रल एरिया. ठीक है, इतना फर्क है. तो जो पेरिफेरी के पास है यानी परिधि के पास है उसको पेरिप्लाज्म कहेंगे और जो सेंटर में है उसको यूप्लाज्म कहेंगे. ठीक है. बट एट मैच्योरिटी वन न्यूक्लियस फ्रॉम द यूप्लाज्म मूव्स टू द पेरिप्लाज्म. यहाँ यहाँ पे भी बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे और इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, पर यहाँ का एक न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा और यहाँ पेरिप्लाज्म में चला जाएगा और बाकी सारे न्यूक्लियस क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे. जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स होते हैं, जब भी डेवलप होना शुरू होते हैं, तो बेटा क्या होता है कि ये जितने सारे न्यूक्लियस होते हैं वो उसको नरिश करने के काम आ जाते हैं. नरिशमेंट आप समझ रहे हैं ना, नरिशमेंट. तो हम लोग को न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत होती है जब रिप्रोडक्शन हो रहा है. जैसे कोई मम्मा बनने वाली होते हैं तो कहते हैं उसको अच्छे से खाना खिलाओ भैया, उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है. तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने सारे न्यूक्लियस हैं वो सारे के सारे उसको नरिश करने के काम आ जाते हैं. तो जितने भी यूप्लाज्म और पेरिप्लाज्म में जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सारे के सारे उसमें काम आ जाएंगे. ठीक है. बट एट मैच्योरिटी वन न्यूक्लियस फ्रॉम द यूप्लाज्म मूव टू द पेरिप्लाज्म एंड ऑल द न्यूक्लियस ऑफ पेरिप्लाज्म गेट्स डीजेनरेटेड. द सिंगल एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ यूप्लाज्म फंक्शंस एज एग न्यूक्लियस. ठीक है. एक ही न्यूक्लियस एक्टिव रहेगा यहाँ पे, जैसे एंथ्रीडियम में एक ही न्यूक्लियस एक्टिव था, इसमें भी एक ही न्यूक्लियस एक्टिव रहेगा. फिर अब देखिए फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होगा,
अब एंथ्रीडियम में एक न्यूक्लियस बचा और इसमें भी एक न्यूक्लियस बचा। जो एंथ्रीडियम है वो यूगोनियम के पास ही आ जाएगा और एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब उसमें से निकलेगी एंथ्रीडियम में से और अपना न्यूक्लियस वो यूगोनियम में पहुंचा देगा। ओके, अब क्या हुआ, ये यूगोनियम में पहुंच गया। अब यहां पर देखिए ये, अब इससे जरा सा समझ लेते हैं। ये मैंने डायग्राम्स आपको भेजे हुए हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है। यहाँ सबसे पहले आप देखिए ये माइसीलियम है, वेजिटेटिव माइसीलियम है, इसमें एंथ्रीडियम डेवलप हुए और दूसरे किसी माइसीलियम में, सॉरी एक में एंथ्रीडियम डेवलप हुए, एक में यूगोनियम डेवलप हुआ। ओके, यूगोनियम से भी एक ये स्टॉक से निकल रहा है एंथ्रीडियम, ठीक है। एंथ्रीडियम का साइज यूगोनियम से छोटा है, ठीक। अब जो है ये जो स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, अब यहाँ एंथ्रीडियम में भी एक डेवलप हुआ और यूगोनियम में भी एक न्यूक्लियस एक्टिवेट रहा। ये जो पूरा ब्लैक वाला है वो मेल न्यूक्लियस है और ये वाला फीमेल न्यूक्लियस है, दोनों जगह पर एक एक ही एक्टिवेट रहा। अब इसमें से ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकली, क्या निकली, फर्टिलाइजेशन ट्यूब किसमें से निकलती है, एंथ्रीडियम में से, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलती है और यहाँ पर जाकर इसको फर्टिलाइज कर देती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ्यूजन हो गया और यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। अगर वहां पर पानी सफिशियंट है तो वहां पर क्या होगा, ये वाला रिप्रोडक्शन हो जाएगा, कौन सा, एसेक्सुअल, जिसमें कि ये देखिए वेसाइकल बना, वेसाइकल के अंदर जूस्पोर्स बन रहे हैं और अगर नहीं है तो वो ये वाला ऊस्पोर बन जाएगा, यानी कि जायगोट बन जाएगा। जायगोट से फिर ये थोड़े दिन तक ये रेस्टिंग स्टेज में रहेगा, यानी कि डबल वॉल्ड जो है ये इसको प्रोटेक्ट करती है। थोड़े दिन बाद इसमें से यंग माइसीलियम निकलता है, ये देखिए यंग माइसीलियम निकल रहा है और वो फिर नया माइसीलियम डेवलप कर देता है। इस तरीके से जितने भी हमारे ये हैं पंचाई के अंदर मेंबर्स हैं उन सभी की लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होती है, इनकी लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट रहता है क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज हैं। तो आप सब लोग इसको जरा सा ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा और आज के लिए कॉपी मोज करो, लेकिन पढ़ते भी रहो साथ में। ओके, ओके, सभी लोग अपना कैमरा और माइक ऑन कर लेंगे, मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोग की। बच्चों आप लोग ध्यान से अपनी अटेंडेंस नहीं बोलते हैं, फिर बाद बाद में बोलते रहते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई ये बाद में नहीं बोला करिए, मैं फिर लगाऊंगी नहीं आप लोग की, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। हाँ 2 हो गया और शफक नूर भी तो प्रेजेंट है, 9। ऐसे थोड़ी होता है कि आप लोग बोलेंगे नहीं और फिर बाद में बोलते रहेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29, 30, 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
36, 37, 37, 38, 39,
41, 42, 43 मैम। क्या कौन बोल रहा है? ओके 41 मैम। ठीक है, फोर्टी फोर, फोर्टी फाइव, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 प्रेजेंट मैम, बोलता तो है नहीं। 64, 66, 67। तुम लोग बेटा स्क्रीन शॉट लेके भेज दिया करो अटेंडेंस का। ओके वैसे मैं ले लेती हूँ लेकिन फिर भी है ना, अटेंडेंस तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। ओके बच्चों, तो इसलिए प्लीज। ओके बाय बाय। बाय।